हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, चंगे भले मस्त होंगे। आप लोग की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है होली, मतलब छोटी होली। तो एक दिन पहले जो छोटी होली को हम लोग मनाते हैं, होलिका दहन वाले दिन, तो उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ गुजिया। गुजिया बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले तो हम लोग खोआ बनाते हैं या मार्केट से मंगा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे खोआ बना रही हूँ 1 लीटर दूध से। ये मैंने पिसी हुई चीनी ली हुई है और ये है नारियल का बुरादा, देख सकते हैं आप। ये मैंने लिया है 200 ग्राम। और ये मैंने लिया हुआ है सूजी, इसे मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, भून लिया है। और खोआ को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी और फिर मैं मैदा, पैकेट वाला जो मैदा होता है, उसको मैं दो बना लूँगी। देखिए यहाँ पे खोआ अच्छे से बन गया है। उसमें हम मिलाएंगे सूजी, नारियल का बुरादा और चीनी पिसी हुई। तो नारियल का बुरादा जब मैं पीस रही थी ना, जब उसको पतला कर रही थी, तो उसी के साथ में मैंने इलायची भी डाल के अच्छे से मिक्सी चला लिए थे। और यहाँ पे अभी मैं डालूँगी नारियल का बुरादा, सूजी डाला है, नारियल का बुरादा, पिसी हुई चीनी, और इन सबको डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, जितना आपको मीठा पसंद हो आप उस हिसाब से डालें। और इन सबको अच्छे से हम मेवा को और इन सभी को अच्छे से हम मिला लेंगे। आप चाहें तो मार्केट से भी खोआ मंगाकर आप गुजिया बना सकते हैं। सिर्फ खोआ से ही गुजिया भी बना सकते हैं। तो मैंने ना खोआ में थोड़ा सा सूजी मिला दिया है, क्योंकि मेरे यहाँ तो खोआ वाला गुजिया और सूजी वाला गुजिया दोनों बनता है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे सूजी वाला गुजिया बना रही हूँ। और ये मैंने तैयार कर लिया। अब मैं यहाँ पे डो बना रही हूँ मैदा का। उसमें मैंने डाला है घी, एक छोटी सी बॉल भर के, और इसे मैं अच्छे से मिला दूँगी घी को। इसको मोइन कहते हैं, मोइन लगाना। तो मैं अच्छे से मोइन लगा लूँगी और इस तरीके से लगाऊंगी कि आप देख सकते हैं, इस तरीके से जब हाथों में हम लेते हैं ना, तो ये बंधना स्टार्ट हो जाए, मतलब बैंड होने लगे। तो आप समझिए कि आपका आटा बहुत अच्छे से रेडी हो गया है, मोइन लग गया है। और अगर आप नहीं होता है तो आप थोड़ा सा और घी इसमें मिला सकते हैं। आप चाहें तो मोइन रिफाइंड ऑयल से भी लगा सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम अच्छे से डो बना लेंगे। डो ज़्यादा गीला नहीं करना है और ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना है, नॉर्मल डो बनाना है। और डो लगाने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसे गुजिया बनाएंगे। तो अच्छे से सबसे पहले हम यहाँ पर डो बना लेंगे। बहुत कम पानी डालते हुए, थोड़ा थोड़ा जितनी ज़रूरत है, हम डो बना लेंगे। डो बना लिया था और उसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था रेस्ट के लिए, और उसके बाद हम यहाँ पे गुजिया बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले लोई लेंगे और उसको ना हम हल्का सा घी लगा के रोटी की तरह बना लेंगे, पूरी का आकार देंगे छोटा सा। उसके बाद हम उसे सांचे पे रखेंगे। 1 चम्मच या आपको जितना उसमें सूजी डालना हो, मतलब जो आपने स्टफिंग तैयार किया है सूजी और खोए का, उसे हम इसमें डालेंगे। और उसके बाद सांचे पे रख के उसको हल्का सा दबा के प्रेस करके बंद कर लेंगे और इस तरीके से गुजिया की तरह हम बना लेंगे। तो देखिए सारा गुजिया हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है। अब हम इसे तलेंगे, छानने के प्रोसेस में आ गए हैं। तो गुजिया जब तेल पहले रखेंगे, बहुत गर्म हो जाने के बाद हम एक एक करके इसमें गुजिया डालेंगे और इस तरीके से हम गुजिया को छान लेंगे, बना लेंगे।
तो दोनों साइड जब रेड कलर में आ जाए तो समझिए हमारा गुजिया रेडी हो गया है। और जब शुरू में डालें तो फ्लेम हम हाई रखेंगे लो फ्लेम, और थोड़ी देर के बाद हम फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे अच्छे से सुनहरा कलर होने तक इसे हम तलेंगे, और उसके बाद हम इसे अच्छे से छान लेंगे, अलग एक बर्तन में रखेंगे। तो एक बार मैंने गुजिया निकाल लिया है, ये सेकेंड टाइम मैं गुजिया को डाल रही हूँ, और दोनों साइड पहले इसे हम रेड कलर होने देंगे, एक साइड के बाद हम दोनों साइड से इस तरीके से अलट पलट करते हुए रेड कलर होने देंगे। तो देखिए हमारा गुजिया मैंने यहाँ पे बना लिया है, और ये लास्ट गुजिया है तो इसे भी हम अच्छे से छान लेते हैं। तो आज की वीडियो गुजिया रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।